मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा NH-12 पर फोन लाइन सीसी सड़क का सेकेंड फेज निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन बाड़ी के पास सिंगोरी अभ्यारण्य वन क्षेत्र में नियमों को ताक में रखकर बड़े बड़े ड्रिल होल करके पहाड़ों को ब्लास्टिंग से नष्ट किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र के जंगली जानवरों व हलाली डैम की मछलियां के जीवन पर संकट बना हुआ है। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के बाद निकलने वाले बड़े बड़े पत्थरों को सड़क के किनारे ही जंगल की खाई में बेतरतीब तरीके से फेंक दिया जाता है, जिससे कई पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। NGT के नियमों को वन विभाग और जिला प्रशासन की नाक के नीचे ब्लास्टिंग कर हवा में उड़ाया जा रहा है। इस दौरान कई बार जाम लगने के कारण आम राहगीरों को घंटों जाम में फंसना भी पड़ रहा है। देश ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को समझने के बावजूद यहां हजारों हरे भरे पेड़ों को कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पत्थरों की चट्टानों को ठिकाने लगाया जा रहा है। प्रशासन वन विभाग की अनदेखी या सांठगांठ से या फोरलाइन सड़क पर नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है। मौके पर ब्लास्टिंग एरिया के 5 किलोमीटर दूरी तक के हजारों पेड़ों को बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबा दिया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा NGT नियमों की अनदेखी के चलते ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अपनी मनमर्जी कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कंपनी द्वारा यहां हर कभी रास्ता रोककर घंटों ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे दोनों ओर जाम में 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे में घंटों जाम खुलने का इंतजार यात्री भी करते रहते हैं। वहीं जब रायसेन कलेक्टर को जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि हमने पहाड़ों के पत्थरों को हटाने की परमिशन दी है, ना कि ब्लास्टिंग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की। इनके द्वारा कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है तो इनके विरुद्ध जांच उपरांत ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कितना समय होगा यहाँ पे आपको जाम में फंसे हुए? 2-2.5 घंटे होगा। क्या बताया यहाँ पे? पानी मानी कुछ नहीं है, बस कह रहा 2-3 घंटे में खुलेगा। तो ये क्यों बजे क्यों लगा हुआ है जाम? पता नहीं क्यों लगा, कुछ गाड़ियां फंस गई, पूरी गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे। तो ये आपको सूचना नहीं दी गई कि ब्लास्टिंग हो रही है यहाँ पे, रोका जाए? अब कितनी उम्मीद और है आपको? देते तो हम आते ही नहीं है। मैं आपका सुषमा चौधरी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग साईंखेड़ा से, नरसिंहपुर जिले से जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भोपाल जा रहे हैं। क्यों? इलाज कराना है दादी माँ का। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे बैठ करते हुए? 1.5 घंटा हो गया। यहाँ कोई पानी वगैरह कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं। आपको कहीं जानकारी नहीं मिली कि ये यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई, नेशनल हाईवे जाम है? नहीं, कोई जानकारी। अभी कितनी उम्मीद और लगा सकते हैं खुलने के लिए? अब बोल तो 1 घंटे की रहे हैं, क्या मालूम कितने टाइम के पास फेंक रहे हैं, इससे बहुत नुकसान है। देखो, दो चीज़ें हैं। जो फोर लाइन रोड बन रहा है उसमें एक कंपनी है जो नागिन मोड पर इसको बना रही है, चूँकि चौड़ाई वहाँ करनी है तो ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। बट यदि वो रोड नीचे गिरा रहे हैं जिससे पेड़ टूट रहे हैं तो ये गलत है। ये हम तत्काल आज से इसको हम बंद कराएंगे कि नीचे कोई भी ऐसा पत्थर या बड़ा नहीं फोड़ने जाए जिससे किसी भी पौधे को नुकसान हो या पर्यावरण को नुकसान हो, वो हम नहीं होने देंगे। आज से हम इस पर कंट्रोल कराना चालू कर देंगे।